ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है गुलदस्ता। आइए सुनते हैं कहानी। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कोरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहाँ आई और उस आदमी से बोली, अंकल जी, मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपए की आप मदद कर दें तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपए मैं दे देता हूँ। उसके बाद जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का आर्डर देने के पश्चात वहाँ से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आगे मेरी माँ के पास तक छोड़ दो अंकल जी। व्यक्ति ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ देर चलने के बाद लड़की ने एक कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोकने को कहा और बोली, मेरी माँ यहीं रहती है। इसके बाद वह लड़की कार से उतरी और कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकता बस वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। व्यक्ति ने देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर आ गया और अपना कोरियर का आर्डर कैंसिल करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने हाथों से माँ को देने के लिए निकल पड़ा। बस इतनी सी थी कहानी। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ओम शांति।